आज हम सीखेंगे लिप रोल्स। लिप रोल्स कैसी होती है? लिप रोल्स ऐसी होती है, दिखाता हूँ आपको। तो ये होती है लिप रोल्स। इसको करने का कुछ स्टेप्स है, तो ध्यान से सुनना। चार स्टेप है और पांचवी स्टेप मैं लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या स्टेप है, ध्यान से सुनो। पहला आपका जो है माउथ पोजीशन। माउथ पोजीशन बहुत मैटर करता है। माइक ऐसे रख लो तो मुझको भी दिक्कत होने वाली है। माउथ पोजीशन पहला मैटर रखना कि आपको किस साइड से लिप रोल्स करना है। लिप रोल्स, ये लिप रोल्स, तो किस साइड से लिप रोल्स करना है? दो साइड से होता है, इस साइड से या इस साइड से। बेसिकली हम करते हैं इस साइड से, ठीक है ना। तो मेरा माउथ का पोर्शन जो है वो मेरा जॉ का अपोजिट साइड होगा। जॉ किसको बोलते हैं? जॉ इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैं इस साइड से लिप रोल करता हूँ तो मेरा माउथ का पोजीशन इस साइड नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मेरा इस साइड से लिप रोल करता हूँ, इसका मतलब इसका अपोजिट साइड होगा, माने इस साइड होगा। तो ऐसे, तो ऐसे होगा लिप रोल। तो अब इसको करते कैसे है? देखो, लिप रोल्स करने के लिए आपको साइड किक आना चाहिए। देखो ऐसे वाली, ये साइड किक, साइड जिपर, थोड़ा रफ वाला जिपर, टाइट वाला नहीं, रफ वाला जिपर जो थोड़ा रफ साउंड करे। दूसरा आपको पॉप करना आना चाहिए। पॉप मतलब ये वाली, तो इसको आप साइड से करना। जब अब अपना जॉ को डाउनवर्ड लोगे ना तो साइड से करने की कोशिश करना। देखो कुछ इस तरीके से, और एक बात, लिप रोल्स में हमको लंग्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगर लंग्स का इस्तेमाल करोगे तो कुछ रफ़ी साउंड करेगा, मतलब बहुत गंदा साउंड करेगा, कुछ ऐसे साउंड करेगा। तो लंग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी खेल है लिप रोल्स में, ये आपका माउथ का एयर से होता है। माउथ के एयर से मतलब लंग्स में एयर लेना है, लेकिन माउथ का प्रेशर से लेना है, लंग्स से नहीं लेना, माउथ का प्रेशर से लेना है। देखो, और एक बात, और आपको ना आउट इन करना होगा। लिप्स जो है आपकी, इसको आउट और इन करना होगा। कैसे? ये जो वेरिएशन है, इसको थोड़ा फर्स्ट करने की कोशिश करो, इसे अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो उससे क्या होगा ना, कुछ ऊपर के लिप्स के पोर्शन है ना, ये लूज हो जाएगी। लूज हो जाएगी तो आपका लिप रोल्स बराबर आएगा। देखो, और एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो टंग है ना, ये कहीं पर टच नहीं होना चाहिए। माने कहीं पर भी मतलब टच नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका लिप्स में टच नहीं होना चाहिए। और कहीं भी आप रख सकते हो, शायद साइड में रख लो, ऊपर रख लो, नीचे रख लो, हम ऊपर रखते हैं, आपको कहीं भी रखना, लेकिन टंग टच नहीं होना चाहिए। टंग टच होगा तो कुछ और ही हो जाएगा, लिप रोल्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये जॉ को आपको नीचे करना होगा धीरे धीरे। देखो एकदम लिप्स को गलती से भी टाइट मत रखना, कोशिश करो कि लिप्स जो है हमारा लूज होना चाहिए, और साइड जिपर का प्रैक्टिस करो, साइड जिपर का प्रैक्टिस करो और इन आउट का प्रैक्टिस करो। देखो ये थोड़ा फर्स्ट करना और साइड किक, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लिप रोल्स होगा कैसे? और एक बात, आपको जॉ को ना स्लाइटली नीचे करना होगा, टाइट मत करके करना। तो पता क्या हो जाएगा, वो इनवर्ड लिप बेस हो जाएगा, टाइट करके नहीं, एकदम लूज। आप अगर मेरा माउथ देख रहे होंगे तो मैं ना जॉ को नीचे करता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? जिसको आदत हो जाता है ना फ्रेंड्स, उसको जॉ को नीचे करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको ऊपर से ही हो जाएगा, उसको आदत है। और अगर आप तो बिगनर हो तो आपको जॉ को नीचे करना ही होगा, और उसी में आपको थोड़ी बैंड बचती है, क्योंकि यहाँ पेन उठता है, अकड़ जाता है। तो धीरे धीरे नीचे करना। धीरे धीरे जॉ को, नीचे करना धीरे धीरे, स्लाइटली स्लाइटली। और एक बात, लिप रोल्स सीखना है ना तो
ये थोड़ी एडवांस बीट है, तो इसको सीखने का कुछ समय होता है। क्या समय होता है? जब कभी टी ये सब के स्नैर, पी एफ स्नैर या बी एम जी स्नैर क्लीन हो जाए तब सीखो। ये थोड़ी एडवांस बीट है, इसको सीखने का कुछ समय होता है, और ये पहली बार में नहीं होता। हम बता रहे हैं इसको मैक्सिमम आपको सीखने के लिए ना 3 हफ्ते निकल जाएंगे। तो आपको बस यही करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है, दूसरा वीडियो देखने मत लग जाना, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको मेरी वीडियो से ही आ जाएगा, तो बस आपको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे जॉ को नीचे करो। ठीक है ना, तो धीरे धीरे जॉ को नीचे करो, स्लाइटली नीचे करो, टाइट मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइट मत करना, इनवर्डली बेस हो जाएगा। टाइट नहीं करना प्लीज़, लूज करके ना धीरे धीरे नीचे करो। जो लिप रोल हो रहा है ना, तो आपका माउथ में ना एक रूम क्रिएट होता है, जब आपको फील आने लगा, वाइब्रेट होता है लिप्स ना, वाइब्रेट होता है जिस समय आपको लिप रोल आने लगा। शुरू शुरू में कुछ ऐसा साउंड करेगा, तो समझ जाना बेटा चढ़ गया। फिर थोड़ा दिन बाद ऐसे साउंड करेगा, फिर तीसरा बार में परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा बार में परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका थोड़ा बेसिस से साउंड करे ना ऐसा पार्टी टाइप, तो समझ जाना कि आप सीढ़ी चढ़ गए, आपसे हो गए वाली प्रूफ। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एक बार में नहीं होता है। एडवांस बीट है, इसको 3 हफ्ते लिख लेंगे, तो मेक श्योर आपको प्रैक्टिस करना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दिस वीडियो, चैनल में हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, यू नेवर मिस अपडेट। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपका सकर पंच पे, सकर कन नहीं, सकर पंच पे। देखो कैसे होती है। ये सकर पंच, तो नेक्स्ट वीडियो सकर पंच में आएगी। सकर पंच में ड्राई किक यूज होता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। और तब तक के लिए पीस आउट।